और फोकस के साथ साथ हम कुछ चीजों को सीखेंगे, हमारे फोकस होना चाहिए। हमारे फोकस को अगर कोई और ड्राइव कर रहा तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचे। आपकी गाड़ी को आप चलाओगे तो आपकी मंजिल पे जाओगे, आपकी गाड़ी को कोई और चला रहा तो वो उसकी मंजिल पे लेके जाए। ये बात बहुत ध्यान से समझनी है, बहुत ध्यान से समझनी है कि आपको अपने गोल सेट करने। संकेत जी का जो ये कथन है कि अगर गोल सेट हो जाए, क्लियरिटी के साथ गोल सेट हो जाए, एकदम दिमाग में अपने आप से बार बार पूछो, अकेले के साथ बैठो, बार बार लिखो, कांच के सामने खड़े हो और अपने से पूछो, मुझे क्या चाहिए, मेरे से क्या चाहिए, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए, मेरे को अपने लिए क्या चाहिए, मेरी जिंदगी का गोल क्या है, कहा पाने के बाद मेरे को बस कोई अभिलाषा नहीं रहती है, या मैं ऐसे समझता हूँ कि मैं जीवन की संपूर्ण अवस्था को, आप पिनों पे काम करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन पहले अपने आप को क्लियर करिए कि आप पिन में जाना चाहते हैं तो कहाँ जाना चाहते हैं, कब तक जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं। आपका गोल ही आपका रोल है। अगर आपका कोई गोल नहीं है तो आप अपने रोल को तो जी नहीं रहे, और अपने रोल को नहीं जी रहे हैं तो फिर आपको मंजिल कैसे मिलेगी? फिर तो हालात आपको जान ले जाएंगे। भाई मैं जो कहा करता हूं उसमें इतना गहरा सार छिपा हुआ है कि गोल है तो रोल है, अदरवाइज मामला गोलमोल है। और जो गोलमोल है वो फुटबॉल है, उसको किधर से लगेगी, कभी उसको कौन चलाएगा, मैं एग्जांपल नहीं देना चाहता, उसको कभी कोई हालात चला देगा, कहीं कोई परिस्थिति चला देगी, कोई ऑफर चला देगी, कोई घटना चला देगी और वो ठहर देगी। कभी मार्च चलाएगा, कभी सितंबर चलाएगा, कभी एनिवर्सरी चलाएगी, कभी लोहड़ा चलाएगा। अरे कोई और हमें चलाएगा तो हमारी मंजिल कैसे आए? हमारे को हम खुद चलाएंगे तब हमारी मंजिल आए। और उसके लिए जो छोटी सी बात मैं आज आपके साथ करना चाहता हूं, लंबी छोटी बात नहीं करूंगा। नंबर वन, अगर आप बिल्कुल नए हैं, अभी इस बिजनेस में इनकम लेने के लिए आप शुरुआत कर रहे हैं, तो पहला काम नेटवर्क बनाइए। पहले इनकम पे बात काम मत करिए, पहले नेटवर्क पे काम करिए। नए आदमी को सबसे पहले इनकम पे काम करने के बजाय नेटवर्क बनाने पे काम करना चाहिए, उसके अपलाइन को भी उसका नेटवर्क बनाने पे काम लेना चाहिए। मेरे समझ में नहीं आती ये बात कि नया आदमी आता है और उसको लगा देते डायमंड क्लब में। मतलब पहले दिन पैदा हुआ रजगरों के मुंह में छोड़ देते ताकि वो खत्म हो जाए, थक जाए, रुक जाए। अरे नया आदमी आया, उसके पास 100 लोगों की लिस्ट है, 200 लोगों की लिस्ट है, उसकी मदद करके उसका नेटवर्क खड़ा करिए, फिर जिंदगी भर करते रहेंगे उनको। अगर आप आज आपकी टीमों में टर्मिनेशन तो बढ़ गए हैं और ज्वाइनिंग कम हो गई है क्योंकि नेटवर्क से फोकस ही हटा दिया आपने। यू आर इन द नेटवर्क इंडस्ट्री, आप नेटवर्क बिजनेस में हो, आपको डायमंड नेटवर्क बनाएगा, आपकी अगली बड़ी पिन आपका नेटवर्क लाएगा, कोई नहीं लाएगा और आपका नेटवर्क। जितना बड़ा नेटवर्क उतनी बड़ी नेटवर्थ। आपका अपना नेटवर्क ही आपकी अपनी नेटवर्थ है। विजय जी का नेटवर्क ही उनकी नेटवर्थ है, वही उनकी रॉयल्टी है, वही उनका डायमंड है, वही उनकी कामयाबी है, वही उनकी जिंदगी के साथ, वही उनकी जिंदगी के बाद है। कोई वेंडर नहीं, कोई सितंबर नहीं, कोई मार्च नहीं, कोई भिलवाड़ा नहीं, उनका अपना नेटवर्क ही उनकी नेटवर्थ है। इसलिए अपने नेटवर्क को बड़ा करिए, नेटवर्क को डेवलप करिए, नेटवर्क को विकसित करिए, नेटवर्क को ज्ञान देने पे नेटवर्क की मदद करिए। यू आर, आप जितने बड़े नेटवर्कर बनेंगे, जितने बढ़िया नेटवर्कर बनेंगे, उतने ही बड़े भविष्य के मालिक बनेंगे। उसका गोल सेट करिए, नेटवर्क का गोल सेट करिए, फिर जो साइड में जो भी चीजें आती है उनका मजा लीजिए, उनका फायदा उठाइए, लेकिन अपने गोल को क्लियर कर लीजिए, उसको लिख लीजिए। और जब तक आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आती, अपने आप से सवाल करते
जब तक आपके अंदर क्लियरिटी नहीं आती, अपने आप से सवाल करते रहिए, अपनी पहली प्राथमिकता निर्धारित करिए, दूसरी प्राथमिकता निर्धारित करिए, तीसरी प्राथमिकता निर्धारित करिए, चौथी प्राथमिकता निर्धारित करिए, फिर उसको लिखिए और लिखने के बाद बार बार चेक करिए कि मैंने जो लिखा है ये असली है या मेरी पहली है तो कुछ और लिख कुछ और दिया।